देखिए अब हम लोग लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड हम लोग ओ लेवल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आज फिर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन के जवाब देते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए कह रहा है विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर टेबल को इंसर्ट करना हो तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं, टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसके आंसर कौन हो जाएगी, सी। दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कह रहा है स्प्रेड शीट मतलब कैल्क विच शॉर्टकट यूज टू सेलेक्ट द रो, रो में सेलेक्ट को करना हो रो को तो किसका यूज हम लोग करेंगे, बोलिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्रोज कमांड किस मेनू में होती है, बताइए किस मेनू में होती है, टूल्स मेनू में होती है, ठीक ना। कह रहा है हु इज फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर्स कौन है, चार्ल्स वेवेन। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि सी लैंग्वेज के फादर्स कौन है तो डेनिस रिची। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए जावा के फादर्स नेम कौन है तो जेम्स गोसलिंग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए किस मेनू का यूज किया जाता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग जब भी करना होगा तो किस मेनू का यूज करते हैं, फॉर्मेट मेनू का यूज करते हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो एक एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते रहिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फार्मूला बार, ये बताइए फार्मूला बार को ओपन करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए F2, ठीक है। अगला कह रहा है विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन द न्यू स्लाइड, नया स्लाइड लेने के लिए क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ N। देखिए जो लड़के क्लास के फटाफट आंसर दे रहे हैं, है ना। अगला बताइए इफ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विच विंडो शॉर्टकट की प्रेस, बताइए तो बताइए किसका यूज करते हैं, जब कंट्रोल W। देखिए मौर्य फटाफट जवाब दे रहे हैं, देख रहे हैं ना तुरंत पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए 9 का, विच इज डिफॉल्ट फॉन्ट व्हेन ओपन द लिब्रा ऑफिस राइटर, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होती है, रिबन सेरिफ, ये बाय डिफॉल्ट होती है। अगला क्वेश्चन दिया है इन कैल्क प्रोसेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल, दो सेल को कॉम्बिनेशन करते उसे क्या कहते हैं, मर्ज सेल। मान लीजिए एक सेल ए है, ठीक है, एक ए है, ठीक है ना, तो इस दोनों सेल को आपस में जोड़ना है तो इसे हम क्या कहेंगे, मर्ज सेल कहेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सटेंशन नेम ऑफ सेव इंप्रेस की फाइल, जो सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होती है, ODP, ठीक ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, जो भी आप लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोग ऐसा तैयारी करिए कि 100 में आपका 90-99 क्वेश्चन सही हो, तब आप एस ग्रेड की तैयारी करते रहे। तो डेली आप लोग एक एक वीडियो को आप लोग को देखना है। अगला देखो मेल मर्ज या लेटर विजार्ड किस मेनू में होता है, किस मेनू में होती है, टूल्स मेनू में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कैल्क टूल बार विच कमांड लाइक सेव ओपन प्रिंट कट कॉपी, ये किस मेनू में होती है, कट कॉपी करना होती है, सारा ऑप्शन किस में देता है, स्टैंडर्ड बार में दिया जाता है। वहीं से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। और फॉर्मेटिंग टूल बार होती है फॉर्मेट करने के लिए होती है, ड्राइंग बार होती है ड्राइंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन स्लाइड को शो करने का शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है, जानते हैं स्लाइड को शो कराने के लिए किसका यूज होती है, F5। अगला कह रहा है कि फुट नोट्स कहां पे आती है आपकी, बॉटम पे ऑफ पेज, ठीक ना, हर पेज के नीचे जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, फुट नोट्स देते हैं। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए इन कैल्क डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, 10 होती है, कितनी होती है, 10, गुड। कह रहा है इंप्रेस में कौन सा शॉर्टकट की होती है जो बैक शेप बनाने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस, इसका मतलब समझ वाला बैक बनाने के लिए। अगला कह रहा है विच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे राइटर,
नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम लोग क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एन। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन। अगला क्वेश्चन, करा इन कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज ए डेट। डेट में अगर आपको चेंज करना हो तो हम लोग किस फॉर्मेट का यूज करते हैं बाबू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस थ्री। क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट थ्री। तो आप लोग देखिए, अगर एग्जाम में अगर टाइप करना है तो आप लोग को प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी शॉर्टकट की किसका क्या होती है। करा है शॉर्टकट की इंसर्ट द न्यू स्लाइड। नया स्लाइड लेने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम। जानते हैं कि आप लोग प्रेजेंटेशन बनाए हैं, अगर एक स्लाइड आपका बना हुआ है, एक और स्लाइड बनाना है तो नया दूसरा स्लाइड बनाने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एम। करा है विच शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करने के लिए किसका जवाब देते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। लेकिन अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर से एकदम बाहर निकालना हो तो क्या लगाएंगे, कंट्रोल प्लस क्यू। कह रहा है अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, इसका क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन कैल्क डिफॉल्ट नंबर शीट। अगर आप कैल्क खोलते हैं तो डिफॉल्ट कितना होती है, वन। तो देखिए इसमें एक लड़का जो है प्रदीप मौर्य फटाफट जवाब दे रहा है, क्योंकि इन्होंने क्लास किया। आप भी अगर डेली क्लास करेंगे तो जवाब देंगे। तो अगर आपको ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आप देखते ही तुरंत आंसर दे दे, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन तो आप देखते ही जवाब दे सकते हो। तो आप लोग एकदम डेली कम से कम डेली 100-100 क्वेश्चन देखते रहिए और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तब अगर आप 100 क्वेश्चन में अगर आपको अपने आपको अनुमान लगाइए कि अगर आप 90 प्लस जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यस ग्रेड आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर है, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ रो इन कैल्क। डिफॉल्ट कैल्क में रो की साइज कितनी होती है, 0.18 होती है, ठीक है। इंप्रेस में लेआउट स्लाइड क्या कर सकता है, किसी भी स्लाइड को लेआउट हो सकता है, तो क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अबव। मतलब टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल और कंटेंट भी दे सकते हैं, टाइटल और कंटेंट पूरा दे सकते हैं, जैसा चाहो वैसा हम लोग स्लाइड का पेज बना सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगी, ऑल ऑफ अबव होगी। अगला क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेबल इन राइटर। तो क्या दबाते हैं, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F12। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन कैल्क कैल्क विच शॉर्टकट के यूज टू सेव ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को सेव करना हो तो किसका यूज हम लोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस का यूज करते हैं। आप लोग बस देखते रहिए। अगला है 27 क्वेश्चन, कह रहा है इन इम्प्लेस मिनिमम। देखिए दो क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज क्या होती है। तो बच्चों बता दो कि इंप्रेस के अंदर जो मिनिमम साइज होती है वो 5 होती है और मैक्सिमम जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3000 होती है, मतलब 3000 होती है। तो इसका ऑप्शन कौन होगी, तो कभी कभी अगर केवल मिनिमम पूछेगा तो 5 पे क्लिक करेंगे और मैक्सिमम पूछेगा तो आप कितना करेंगे, 3000। कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन द डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर के अंदर बाई डिफॉल्ट जो होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, 11, ठीक ना। तो इसका क्या होगी, मार्जिन क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पे दिया होगा। कह रहा है इन कैल विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द फंक्शन। फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो जितने फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन दिख जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन बहुत आसान है, विच प्लॉन फाइल फॉर्मेट कैन बी एड लिब्रे इंप्रेस। इंप्रेस में हम कौन सी फाइल को ऐड कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इमेज लेना है तो JPG लेंगे, अगर MP3 लेना है तो WMV फाइल लेते हैं या MP3 लेते हैं, और आपको वीडियो भी लेना हो तो MPG लेते हैं। मतलब इसमें कौन फाइल होगी, ऑल ऑफ अबव होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आती है कि JPG या इमेज के लिए होते हैं। करें व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। डिफॉल्ट राइटर में कितनी फॉन्ट साइज होती है, 12 होती है, ठीक ना। इन कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट होल वर्कशीट।
होल वर्कशीट को यूज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एल से भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगी, बोथ एंड एंड बी। तो जिस एग्जाम में अगर बोथ दिया रहता है तो लगभग 99% वही सही रहता है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक। कह रहा है इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, और सब स्क्रिप्ट के लिए बी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी इसको इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो लगभग 99% एग्जाम में आएगा। तो अगर कह दे कि सब स्क्रिप्ट के लिए किसका यूज करते हैं, तो बी का लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ये सही होगा, क्लियर। ये आपको अगर यहीं पे कह दिया होता कि इसका आंसर क्या है कि सब स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, अगर यहीं पे आ जाए सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, तो ये आंसर गलत होगा, ये आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फास्ट सब स्क्रिप्ट इन राइटर। अभी ये क्वेश्चन आया था तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। अगला दे रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट डिफॉल्ट टाइटल नेम। बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होती है बच्चों, जब भी आप कैल्क खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होती है उसकी, अनटाइल्ड वन। तो चाहे आपका राइटर का पूछे या इंप्रेस का पूछे, है ना, तो सब में कौन क्वेश्चन होगी, बाय डिफॉल्ट अनटाइल्ड वन। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये समझिए एग्जाम में आ सकता है। 36 का आंसर दीजिए, इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस बुलेट बुलेट और नंबरिंग किस ऑप्शन में आती है, तो नहीं फॉर्मेट मेनू में आती है, किस मेनू में आती है, तो बुलेट आपको जब इस तरह लेंगे इसे बुलेट कहते हैं, और जब 1, 2, 3 में लेंगे इसे हम नंबरिंग कहते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए लिब्रे ऑफिस में किसका यूज करते हैं, तो राइटर, क्योंकि जानते हैं कि राइटर का दूसरा नाम क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग। और कैल्क का दूसरा नाम स्प्रेड शीट होती है, इंप्रेस का दूसरा नाम प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट होती है, ठीक ना। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड है, तो राइटर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है इन कैल्क द नेम ऑफ सेल मेड बाय द इंसर्शन लास्ट कॉलम क्या होती है। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट कॉलम होती है उसका क्या होता है, ए एम जे 1048576 अंतिम कॉलम की बात पूछा हुआ। कह रहा है ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की यूज टू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे जब हाइपरलिंक की बात आ जाती है कहीं भी, तो हाइपरलिंक में बताइए हम लोग किसका यूज करते हैं, नहीं नहीं इसका आंसर क्या होगी कि टाइप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अगर ये कर देता कि हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट किया है तो कंट्रोल प्लस के होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक हाइपरलिंक से दूसरे पे जाना है तो टाइप का यूज। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच शॉर्टकट की यूज टू व्यू फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन देखना हो तो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला कह रहा है इन कैल्क विच शॉर्टकट की यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। अगला है इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस शॉर्टकट की इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स को करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, F3 का यूज करते हैं। तैयारी में लगे हुए हो, अब लग रहा है तैयारी करते रहो। 43 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फाइल एक्सटेंशन ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .ott। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि टेम्पलेट क्या होती है, जो पहले से बनी होती है या हमें बनाना रहता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ott। अगला है इन कैल्क लास्ट कॉलम क्या होती है, amj। ये तो आप जानते हैं टोटल कॉलम कितने होते हैं, 1024। इसका जो लास्ट कॉलम होता है उसका amj। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, तन्नू समझ में आ रहा, तो इसको ध्यान पूर्वक देखते रहो। इन इंप्रेस विद शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए टेम्पलेट। एक टेम्पलेट को लेना होगा तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। तो देखिए हमने इसमें जितना भी क्वेश्चन बनाया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
छांट के बनाया है, तो आप लोग डेली 100-100 वीडियो देखते रहिए तो एग्जाम में आप लोग यस ग्रेड ला सकते हैं। लेकिन देखने से नहीं होगा, आप लोग उसको लिखते भी रहिए, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा और बार बार एक ही वीडियो को देखिए। विच शॉर्टकट की यूज टू हाइड एंड शो द स्लाइड बार, स्लाइड बार को शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F5 का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन कर्व, बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की जो होती है उसका कितना होता है, 0.89 होती है, कितनी होती है 48 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है विच फ्लोइंग कैन यूज टू ऑर्गेनाइज ए सर्टेन ए स्लाइड, देखिए इसमें इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, बोथ, मतलब हम स्लाइड पैनल भी देख सकते हैं, स्लाइड को साठ, मतलब साठ में मतलब एक साथ सारे चीज को एक सामने करके हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन ऑफ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, पेज ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर। ये भी मान ली एक पेज है उसमें आप कुछ मैटर लिख रहे हैं, आप चाहते हैं आप दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे तो इसके आगे वाला मैटर किस पेज में आ जाएगा, दूसरे पेज में आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया। अगला क्वेश्चन है इन कैल्क फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन विच मेनू में होती है, तो फ्रीज में होती है, किस मेनू में, व्यू मेनू में होती है। तो देखिए अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसी तरह अभी हमको 50 क्वेश्चन और देखना है क्योंकि एग्जाम में आपका जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे 100, तो हमने डेली आपको मॉडल पेपर बना रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 क्वेश्चन में अपने आप को चेक करिए, अगर आप लोग 90 प्लस जा रहे हैं तो आप लोग मान जाइए कि आप लोग यस ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो अभी आपका पूरा भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी और हमें 50 क्वेश्चन देखना है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप स्किप करेंगे, ठीक है। आइए अगला 51 का देखिए, इन इंप्रेस विच मेनू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड, स्लाइड के लेआउट को चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्लाइड का यूज करते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट शो इन द स्टेटस बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा नहीं होती है, तो नेम ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जानते हैं कि जो भी होती है क्या होती है, वर्ड भी दिखेगा, बोलिए कितनी पेज बना वो भी दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं दिखेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए, ये आपका सही हो गया। ये देखिए कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक करता है। वी कैन चेंज द यूजर इंटरफेस इन कैल्क प्रोग्राम, तो इसमें हम लोग क्या, इसमें क्या होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको चेंज करना यूजर इंटरफेस क्या करेंगे, सिंगल टूल बार का भी यूज करेंगे, टैब का भी यूज करेंगे, टेबल कंप्लीट, मतलब इसका आंसर कौन होगी, ऑल ऑफ यू। कर रहा है टेस्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन मेनू, तो कल बताए थे कि जो भी अलाइनमेंट होती है वो किस मेनू में आती है, तो फॉर्मेट मेनू में आती है। और अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, कौन कौन, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। अगला है इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल विच मेनू, तो किस मेनू में अवेलेबल होती है, एडिट मेनू में होती है, एडिट मेनू का मतलब सुधार करने वाला मेनू। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एंड पीडीएफ ऑप्शन, पीडीएफ ऑप्शन आपने कहां देखा हुआ था, तो ड्राइंग टूल बार में भी होता है, स्टैंडर्ड बार में होता है, प्रेजेंटेशन ऑल ऑफ एबव होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो किसका यूज हम लोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन कैल, टोटल कॉलम में कितने होते हैं, 1024। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआत बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्लाइड मास्टर कहते हैं। कह रहा है विच फाइल एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर, कौन ऐसी है जो लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं है, तो आपका क्या होगा, डॉट CSV, डॉक्यूमेंट भी होता है, TST फाइल भी होती है, या और AV फाइल होती है, तो कौन फाइल नहीं होती है बच्चों, C वाली। अब देखिए
अब हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट देखेंगे कि एक पर्सनल कंप्यूटर जब कनेक्ट होती है नेटवर्क से, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं। जब लोकल कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं। तो कुछ इंटरनेट से भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? वैन का, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि आप लोग टेलीफोन से बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ना बात करते हैं, तो इसलिए वैन हो गया। कह रहा है बाई यूजिंग ई कॉमर्स, ई कॉमर्स करने से आपका क्या फायदा होगा? तो टाइम की भी बचत होगी, वर्क भी होगी और मनी भी लगे। मतलब जैसे आप लोग एमेजोन से सामान मंगाते हैं वो ई कॉमर्स हो गया, क्या हो गया? तो उससे आपको क्या होती है? टाइम भी नहीं लगता है, वर्क भी कम करना पड़ता है, पैसा भी कम लगता है। अगला क्वेश्चन, वेयर द एड्रेस वेबसाइट टू बी टाइप। जब भी आप लोग जहाँ एड्रेस डालते हैं उसे कौन बार कहते हैं? एड्रेस बार। कौन बार कहते हैं? एड्रेस बार। जहाँ पे आप लोग एड्रेस डालते हैं उसे कौन बार कहते हैं? एड्रेस बार कहते हैं। इंटरनेट क्या होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच मिलियन पीपल्स कनेक्टेड टू ईच अदर। इंटरनेट उसे कहते हैं जहां पे मिलियन पीपल एक दूसरे से जुड़े हैं, जहां पे कई नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आता कह रहा है इन विच सिस्टम ट्रांसफर ऑफ फंड वन बैंक टू अनदर टेक प्लेस रियल टाइम एंड पेसिंग। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर हम पैसे भेजते हैं एक समय पे, उसे हम क्या कहते हैं? आरटीजीएस बोलते हैं। तो ठीक ना। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन है? गूगल भी है, याहू भी है, बिंग भी है, तो ऑल ऑफ अबव। और पॉपुलर सर्च इंजन कौन है? गूगल। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एमआईपीएस, IMPS का फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंटरक्शन पर सेकेंड, ठीक है ना। अगला दे रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बीसीसी। आप लोग मेल भेजते हैं वहां पे दो ऑप्शन देता है, पहला टू देता है, अगला सीसीसी देता है, तीसरा बीसीसी देता है। तो इसका जानते हैं टू मतलब किसको भेजना है, डायरेक्ट में लिख सकते हैं, सी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका ऑप्शन क्या होगी? ब्लाइंड। और कहीं कहीं पे इसको हम ब्लैंक कार्बन कॉपी भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलता है वो होता है, तो क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क, सभी कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नोड। बताए थे कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तीन सारे कंप्यूटर का नाम बदल जाएगा, कंप्यूटर ना कहकर इसे हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। क्लियर। अगला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बेस्ट ट्रांसमिशन ग्राफिक डाटा। डाटा को भेजने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो जो भी बेस्ट डाटा को भेजने के लिए जो यूज होती है बेस्ट ग्राफिक डाटा, तो ग्राफिकल डाटा को जो भेजने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक ना, क्योंकि सबसे फास्ट केबल का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो हमें टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होती है? मॉडम यूज होती है। या इंटरनेट किसके थ्रू चलती है? तो मॉडम के थ्रू। तो मॉडम का फुल फॉर्म भी आ सकता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉडम का फुल फॉर्म बताइए? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, उसे क्या कहते हैं? जिसमें एक सर्वर हो और अलग कंप्यूटर से जुड़ा हो और एक दूसरे से डाटा ले और दे, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क वो होता है जहां पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाए और एक और डाटा लेने देने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। इट इज यूज टू मेक द वेबसाइट अवेलेबल इन, वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? जब वेब होस्टिंग। बताए थे कि आप लोग वेबसाइट बनाना पड़ रहे हैं, जब वेबसाइट आप बना लेंगे तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एक जगह खरीदना पड़ेगा और उस ऑनलाइन जगह खरीद के उस पे अपना डाटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग कहते हैं।
अगला है इन विच फॉर्मेट ए वेब पेज से एचटीएमएल जो होती है जो फिर पेज होती है वो किसमें सेव होती है, तो जो भी वेब पेज होती है वो किसमें सेव होती है, एचटीएमएल में सेव होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन द एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, आईपी एड्रेस, क्योंकि हर कंप्यूटर में अगर आईपी नहीं रहेगा तो नेटवर्क से नहीं जुड़ेगा। तो आईपी एड्रेस क्या होती है, एक यूनिक एड्रेस होती है, क्लियर, जो हर कंप्यूटर का क्या होती है, अलग अलग होती है, उसी से नेटवर्क में कंप्यूटर को पहचाना जाता है। कह रहा है विच आर द फ्लोइंग यूज द इंटरनेट, इंटरनेट हमारा जो होता है वो किसका यूज करता है, पैकेट स्विचिंग का करता है, क्योंकि आप लोग पूछ सकता है कि राउटर किस पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग पे करता है। राउटर एक नेटवर्क की डिवाइस होती है, वो बताती है किस ने देखो अगला क्वेश्चन है गूगल क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल जो होती है एक सर्च इंजन होती है। तो अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है एग्जाम में आपके कि गूगल हमारा क्या होती है, तो एक सर्च इंजन होती है, क्लियर, yes, तो गूगल एक हमारा क्या होगी, सर्च इंजन होगी, तो गूगल हुआ याहू हुआ इस सारे हमारे एग्जाम्पल सर्च इंजन की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैट का फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, कह रहा है विच आफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, फर्स्ट जो सर्च इंजन आया हुआ था उसका क्या नाम था, अच्छी ठीक है। अगला कह रहा है 81 में कि विच आफ द मोस्ट वाइडली यूज, कौन प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल यूज करने वाले का जो नाम था उसका नाम है HTTP। कह रहा है विच डिवाइस यूज टू सेंड डाटा पैकेट इन द नेटवर्क, अभी बताया कि जब भी नेटवर्क में डाटा भेजना होता है तो वहां पे एक राउटर डिवाइस होती है जो डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में देने का काम करता है, या दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने को हम राउटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू यूजली यूज द टू कनेक्ट अदर पीपुल ऑन द इंटरनेट, नेटवर्क पे एक दूसरे को जोड़ना होगा नेटवर्क में, तो किसकी जरूरत पड़ती है, तो ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा आप डाटा को ले और दे सकते हो। कह रहा है विच आर द फ्लोइंग वर्क फॉर द सिक्योरिटी ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में सिक्योरिटी लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का करते हैं, क्योंकि फायरवॉल एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है जो दोनों को नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है। विच टाइप्स ऑफ टेलीफोन लाइन कनेक्शन यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो इंटरनेट को नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमारा किसका यूज होती है, उसका नाम होता है डायलअप कनेक्शन, क्या होती है, डायलअप कनेक्शन होती है। करें ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू सर्वर इज कॉल्ड अपलोडिंग, देखिए क्या होती है बच्चों, अगर आपका एक लोकल कंप्यूटर है, लोकल कंप्यूटर से जब हम डाटा को सर्वर पे अगर हम भेजते हैं तो उसे हम अपलोडिंग कहते हैं, जैसे हमने ये वीडियो बना रहा था इसको हम नेट पे चढ़ाएंगे इसे हम अपलोडिंग कहते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा है उस वीडियो को आप डाउनलोड करते हो तो उससे हम क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग क्या होती है, जब सर्वर से लोकल कंप्यूटर पे जो फाइल आती है उसे हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये राउटर परफॉर्म द सेम फंक्शन ए, उसे हम क्या कहते हैं, तो राउटर के जैसे एक और डिवाइस काम करता है उसका नाम होता है ब्रिज। कह रहा है आईपी वर्जन 8 नहीं होता है, आईपी वर्जन 6 होती है, तो आईपी वर्जन 6 कितने बिट की होती है, 128 बिट की होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स आईपी वर्जन 4, तो आईपी वर्जन में कितना बिट होती है, 32 बिट, तो आईपी वर्जन 4 में 32 बिट होती है और आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। करें डाटा ट्रांसमिशन इन वैन, अगर आपको वैन में अगर डाटा को हम भेजते हैं तो उसके लिए सेटेलाइट का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, सेटेलाइट का यूज किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज आल्सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नहीं, यह एक ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर है। करें ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ वायर नेटवर्क, नहीं, ये भी गलत है, क्यों, कि वाईफाई ब्लूटूथ सेटेलाइट सब ये वाईफाई वायरलेस है, क्या है, वायरलेस है। देयर आर नो मिनिमम लिमिट फॉर द ट्रांजेक्शन RTGS, बिल्कुल इसमें एक लिमिट होती है, उससे कम नहीं भेज सकते। वाईफाई जो होती है हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड में डाटा भेजती है, नहीं, गलत है, वो आपको वैन जो होती है
मतलब जो वायर नेटवर्क होती है उसकी स्पीड हाई, मतलब हाई फाई होती है, लेकिन वाईफाई की स्पीड थोड़ा स्लो होती है। अगला कह रहा है चैटिंग इज ए वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेट। चैटिंग जो होती है वो इंटरनेट की एक इम्पॉर्टेंट फीचर होती है, तो ये आपका क्या होगी, सही होती है। कह रहा है कंप्यूटर जो होती है वो किस लैंग्वेज को समझती है, तो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, मतलब वन और जीरो को समझती है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस अलाउ ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर यहाँ है आपका, एक दिल्ली है, तो अगर हम दिल्ली के कंप्यूटर को हम अपने कंप्यूटर पे बुलाना रहता है तो उसका रिमोट लेंगे, तो रिमोट लेने वाले पोर्ट कॉल का नाम क्या होता है, टेलनेट होती है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन टू एक्सेस द वेब सर्वर। तो अगर कह रहा है कि अगर वेब सर्वर से अगर हमें डाटा को लेना होगा तो किसका यूज करना पड़ेगा, वेब क्लाइंट का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज रिटेन इन द बाइनरी कोड। तो बच्चों मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो बाइनरी कोड में लिखा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, तो मशीन। अगला फुल फॉर्म है सीपीयू का कौन फुल फॉर्म होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका ये 100 क्वेश्चन हुआ, आप लोग डेली वीडियो को देखते रहे और एग्जाम में आप लोग टॉप यस ग्रेड से पास हो जाए।